आज हम लोग देखने वाले हैं एडिट डेटा। एडिट डेटा होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि हमारा स्लोगन में लिखा है, दिस इज ए सिंपल पेज एप्लीकेशन वेयर यू कैन ऐड डेटा, एडिट डेटा, गेट डेटा, डिलीट डेटा। तो एडिट डेटा एंड अपडेट डेटा हम आज करने वाले हैं। तो अपडेट, ये हमारे नेव बार पे अपडेट का लिंक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक फॉर्म खुलता है, एडिट एंड अपडेट रेस्टोरेंट फॉर्म। और यहाँ पर हम डेटा एडिट करने वाले हैं, बट ऐसे हम नहीं समझ सकते कि कौन सा डेटा हम अपडेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या किए हैं, एक लिस्ट रेस्टोरेंट का नाम पे लिंक यहाँ पर बना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे डेटा के लिस्ट ओपन होगी। अब इस लिस्ट में से जिस भी डेटा को एडिट आप करना चाहो उसको आप एडिट कर सकते हैं। और उसको एडिट करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम एडिट ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि ये फोर्थ नंबर आईडी पे हम क्लिक करें तो हमारा ये एडिट वाला फॉर्म ओपन हो जाए और यहाँ पे वही डेटा ऑटो फुलफिल रहे फोर्थ नंबर आईडी का। उसके बाद यहाँ पे अपडेट का बटन रहे, मैं अपडेट कर दूँ तो अपडेट हो जाए। तो ये करने के लिए आपको सिंपली छोटी सी कोडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है और ये एक तरीके का बहुत बेसिक वर्क है। तो चलो हम इसको करके सीखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अपडेट रेस्टोरेंट डॉट ईएस पे आ जाओ। सबसे पहले ये जो सबमिट बटन है इसको अपडेट में लिख देता हूँ, क्योंकि सबमिट अच्छा नहीं लग रहा, अपडेट सही है। अब दूसरी चीज, हम सबसे पहले लिस्ट रेस्टोरेंट पे आते हैं, जहाँ पे हमें लिस्ट रेस्टोरेंट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में जहाँ पे हमें एडिट के बटन पे लिंक लगाना है कि जैसे क्लिक करूँ वो अपडेट का फॉर्म ओपन हो जाए। तो उसके लिए आप सबसे पहले ए टैग लगाइए, क्योंकि ए टैग के थ्रू ही आप लिंक टैग यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे डालता हूँ राउटर लिंक इज इक्वल फॉरवर्ड स्लैश अपडेट। नाउ ये हमारा अपडेट का काम हो गया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट जब भी क्लिक करेंगे तब हमारा अपडेट का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आते हैं, सेव करने के बाद अब देखते हैं लिस्ट रेस्टोरेंट पे आते हैं और यहाँ पे सपोज मैं किसी भी बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा अपडेट का फॉर्म पे रिडायरेक्ट करना चाहिए। सो आई एम क्लिक हियर, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ये हमारा नहीं हो रहा। तो चलो चेक करते हैं क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ओके, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इस एडिट पे नहीं लगाया कंट्रोल एक्स। ओके, यहाँ पर आना है और जहाँ पे ये आई क्लोज हो रहा है इसके बाद हमें पेस्ट करना है ए टैग को। सेव कर दिया। अब हम यहीं पे अपडेट, जैसे क्लिक के अपडेट पे किसी भी एडिट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा अपडेट का फॉर्म खुल जाएगा। कैसे, एक बार पेज हमारा रिफ्रेश हो जाए तो देख लेते हैं, क्योंकि हमारा पेज बिल्ड हो रहा था। सो अब मुझे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक किया है देखो हमें रिडायरेक्ट कर दिया इस यूआरएल पर, लोकल होस्ट कॉलन 4200/अपडेट। अब हम चाहते हैं जिस आईडी पे क्लिक करें उस आईडी का पूरा डेटा यहाँ पे ऑटो प्रीफिल हो जाए। इसका मतलब है हम आईडी के बिहाफ पे पूरा डेटा उठाने वाले हैं। तो आईडी के बिहाफ पे डेटा उठाने के लिए सबसे पहले आईडी को तो यहाँ रिडायरेक्ट करें। तो आईडी को रिडायरेक्ट करने के लिए आपको सिंपल, फिर से मैंने बोल दिया बहुत कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक सिंपल सा स्लैश लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे यही हम रेस्टोरेंट की आईडी को लेने वाले हैं। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं इसको अगेन। अब हमारा यहाँ पर आईडी आना चाहिए, तो एक बार फिर से अगेन चेक कर लेते हैं कि क्या ये आईडी हमारा पिक कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आते हैं, अब फिर से हम करेंगे रेस्टोरेंट लिस्ट रेस्टोरेंट पे और यहाँ पे हम सपोज मुझे ये फोर्थ नंबर की आईडी चाहिए, तो आप यहाँ बॉटम पे देख सकते हैं यहाँ पे आईडी शो करेगा, आप देख लीजिए। मैं यहाँ माउस ले जा रहा हूँ, देखो फोर्थ नंबर अपडेट स्लैश फोर्थ लिखा है। मैं यहाँ जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ बट हमारा ये नहीं रिडायरेक्ट कर रहा, अब हमें अपडेट पेज पे ही नहीं रिडायरेक्ट कर रहा। तो ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस पे हमने अपडेट ओनली अपडेट दिया है, राउट आईडी के बिहाफ पे राउट नहीं कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे अपडेट राउट के बिहाफ पे करूँगा, तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, अपडेट बाय स्लैश कोलन आईडी पेस्ट करनी है और सेव कर देना है, जैसे कि हमने पोस्टमैन पे किया था जब भी कोई आईडी के बिहाफ पे चेक चेक कर रहे थे कोई भी डेटा। तो उसी तरीके से यहाँ पे राउट पे भी बताना पड़ेगा इसको। अगेन आके आते हैं यहाँ पे और एक बार पेज को हम बिल्ड करते हैं, रिफ्रेश हो जाने देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या हमारा ये अपडेट होता है कि नहीं। सो सपोज हमें सेकंड नंबर की आईडी चाहिए, मैं सेकंड नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे कि क्लिक किया यहाँ आप देख सकते हो लोकल होस्ट 4200/अपडेट/2। इसका मतलब दो नंबर का आईडी तो हम उठा के लेके चले आ रहे हैं लेकिन हमें डेटा चाहिए उसका, पूरा डेटा कम्प्लीटली वो डेटा चाहिए दो नंबर की आईडी का जो इस पे ऑटो फिल रहे। तो चलो उसे भी हम करके चेक कर लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक्टिव राउट गार्ड के यूज़ करेंगे। एक्टिव राउट यूज़ हम तब करते हैं जब भी कोई भी डेटा हम
आईडी के बिहाफ पे पूरा डेटा सेंड करते हैं किसी सेकंड कंपोनेंट पे, ठीक है। वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट पे आईडी के बिहाफ पे कोई भी डेटा सेंड करना होता है तो हम एक्टिव राउट का यूज करते हैं, क्योंकि हमें राउटिंग के थ्रू हम पूरा डेटा लाने वाले हैं। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले हमें एक्टिवेटेड राउट को यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट कीवर्ड के थ्रू एक्टिवेटेड राउट और @ एंगुलर राउट में राउटर, सेव करता हूँ इसको और इसको मैं इंजेक्ट करा लेता हूँ अपने प्राइवेट में। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमा प्राइवेट और यहाँ मैं टाइप करता हूँ राउटर इज इक्वल एक्टिवेटेड राउट और सेव कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे हमारा ओके परफेक्टली हमने एक्टिव राउट को यूज कर लिया है। अब हमें सिंपली क्या करना है, उस पर्टिकुलर आईडी का डेटा हमें यहाँ लेना है। तो उसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे, सर्विस पे आते हैं सबसे पहले, सर्विस पे बनाएंगे हम, सर्विस के थ्रू यहाँ पे लेंगे। तो सर्विस कॉमन सर्विस कहाँ गया मेरा, ये है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक लेने वाले हैं गेट करेंट डेटा, गेट करेंट डेटा। और करेंट डेटा पे मैं आईडी के बिहाफ पे यूज़ करूँगा, तो मुझे सेम एज इट इज पास कर देना है, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और इस पे आईडी पेस्ट करनी है, सेव करूँगा मैं। और उसके बाद अपडेट पे आता हूँ मैं और यहाँ अपने वॉइड के अंदर दिस डॉट कॉमन सर्विस सॉरी दिस डॉट रेस्टो डॉट गेट करेंट डेटा। और इस करेंट डेटा में हमें क्या करना है इस राउटर को, तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, दिस डॉट राउटर डॉट स्नैपशॉट डॉट आईडी सॉरी पैरम्स पैरम्स के थ्रू हम आईडी गेट करेंगे डॉट आईडी। ओके नाउ इसको अब हम डायरेक्ट सब्सक्राइब करने वाले हैं, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करके इसका डेटा मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रख ले रहा हूँ। रिजल्ट इज इक्वल कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हम इसको कंसोल लॉग करा सकते हैं, आप कंसोल लॉग भी करा सकते हो। सपोज मैं कंसोल लॉग करा देता हूँ, सो थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो है क्योंकि बैकएंड में मेरा विंडोज अपडेट हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग पे मैं इसी रिजल्ट को पास करा देता हूँ, RESULT। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या हमारा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई एरर तो नहीं है। तो हमारा ये पेज बिल्ड हो जाने देते हैं, सबसे पहले 50% हो चुका है। और मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ और एक बार सबसे पहले मैं अपने होम पेज पे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा होम पेज खुला है। अब लिस्ट रेस्टोरेंट पे आते हैं। अब सपोज मुझे फिफ्थ नंबर का आईडी चाहिए, तो मैं फिफ्थ कंसोल प्लस आई कर लेता हूँ पहले, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, जिससे कि हमारा कंसोल लॉग ओपन हो जाए जहाँ पर मुझे देखना है कि डेटा हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो अब हम क्या करने वाले हैं, ये फिफ्थ नंबर की आईडी पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये कुछ नहीं है। फिफ्थ नंबर की आईडी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे दिखा दिया अपडेट रेस्टोरेंट। ओके अपडेट रेस्टोरेंट पे हमारा डेटा ब्लैंक आ रहा है, अभी हमारा कोई डेटा नहीं आ रहा। सो यहाँ पे आईडी फिफ्थ दिखा रहा है। तो अब एक काम करते हैं, अब हम इसी डेटा को यहाँ पे, लेकिन हमारा फिफ्थ दिखाना चाहिए था एटलीस्ट हमारा। एक काम करते हैं, इस आईडी को देख लेते हैं कि आईडी हमारा गेट कर रहा है कि नहीं। तो आईडी गेट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कंसोल लॉग करा लेते हैं, इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसी चीज़ को सिंपली कॉपी दे दे रहा हूँ, शायद हमारा आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लियर हो जाते हैं। हम सेव करते हैं एक बार हमारा फिर से पेज हमारा रिकम्पाइल हो रहा है। हमारा पेज रिकम्पाइल हो जाने के बाद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, इसकी साइज़ थोड़ा सा छोटी कर दे रहा हूँ। परफेक्ट लिस्ट पे आते हैं और यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर मैंने किया था, फिफ्थ है, इसको मैं क्लोज करता हूँ फिलहाल। अब मैं सिक्स का चाहिए तो मैं सिक्स कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे हमारा सिक्स दिखा रहा है, सिक्स नंबर आईडी आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने कोड पे आते हैं और कोड पे आने के बाद यहाँ पर जो हमने इसको पास किया है यहीं पर इसको मैं एक काम करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ, इस पूरे एडिट रेस्टोरेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब ये जो एडिट रेस्टोरेंट है मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ दिस डॉट एडिट रेस्टोरेंट, और ये जहाँ पर ये है हम इस पे डायरेक्टली अपने रिजल्ट का डेटा पास करेंगे। सो मैं इसको इस रिजल्ट को डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉपी किया, इस पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा ये हमारा नेम है एंड सेम एज दिस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ अपने इस फॉर्म कंट्रोल के अंदर। पेस्ट किया एंड इस पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एड्रेस चाहिए, सो मैं एड्रेस टाइप करूँगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे मुझे ईमेल चाहिए तो ईमेल करता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो भी डेटा पिक कर रहा हूँ क्या वो डेटा हमारा फुलफिल हो जा रहा है कि नहीं हो रहा।
तो मैं अपने फिर से ब्राउजर पे आता हूँ। एक बार हम पेज को रिकम्पाइल हो जाने देते हैं, हमारा पेज रिकम्पाइल हो रहा है। पेज रिकम्पाइल होने के बाद तुरंत ही ऑटो अब रिफ्रेश होता है पेज। सपोज हमें फोर्थ नंबर का डेटा चाहिए, ओके। तो फोर्थ नंबर के डेटा के लिए मैं सपोज यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे फोर्थ तो आया आईडी, पर यहाँ पे डेटा हमारा फुलफिल नहीं हुआ। सो आई थिंक समथिंग रॉन्ग हियर। तो देख लेते हैं क्या एरर, क्या दिक्कत हो सकता है, क्या एरर हो सकता है यहाँ पे हमारा। वन सेकेंड, यहाँ पे जैसे ही मैं जिस भी आईडी पर क्लिक कर रहा हूँ वो आईडी हमारा डिलीट हो जा रहा है। तो इसका मतलब है हमने कुछ सर्विस पे एरर किया है। सो सर्विस पे आई थिंक हमने जो कॉपी कर लिया था वहाँ पे डिलीट मेथड यू उप्स, ये डिलीट बार बार हो जा रहा है। जैसे ही डिलीट कॉल कर रहा हूँ डिलीट हो जा रहा है। सो हमें यहाँ पे डेटा चाहिए, गेट पे क्लिक करूंगा एंड जो भी डेटा हमारा डिलीट हो चुका अब तो मैं उसे लाऊंगा नहीं। बट यहाँ पे हमारा एक एरर ये था कि हमने यहाँ पे गेट किया। तो आप लोग बहुत ध्यान देना, नहीं तो डेटा आप कॉपी पेस्ट करने के बजाय वहाँ पे गड़बड़ कर देंगे। मैं कॉपी पेस्ट करने के बजाय यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया जल्दी के चक्कर में कि जल्दी हो जाए, कोई वीडियो बहुत लंबा ना बने। सो एक बार अगेन चेक कर लेते हैं क्या हमारा अब वो कर रहा है। सो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अब इसी चीज़ को मैं डायरेक्टली हिट करता हूँ। यहाँ पे मैं थर्ड नंबर की आईडी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो परफेक्टली थर्ड नंबर की आईडी हमारा यहाँ पे पूरा फुलफिल होकर आ रहा है। सोनम फूड प्लाजा, एड्रेस मध्य प्रदेश एंड ईमेल आईडी ये आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जब हम अपडेट पे क्लिक करें तो ये डेटा हमारा सर्वर पे भी अपडेट हो जाए। तो चलो अपडेट के लिए देख लेते हैं। अपडेट के लिए एक नया मेथड बना के हमें यूज़ करना पड़ेगा अपडेट के लिए, उसके लिए यूआरएल हिट करना पड़ेगा उसके लिए भी। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मैं अपडेट रेस्टोरेंट नाम का फंक्शन अगेन बनाता हूँ, अपडेट रेस्टो, एंड यहाँ पे हम टू आर्गुमेंट पास करने वाले हैं, आईडी एंड डेटा, क्योंकि हमें आईडी के बिहाफ पे उस डेटा को अपडेट करना है। सो इस वजह से मैं टू आर्गुमेंट पास करूंगा। और सेम एज इट इज मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ। अब की बार पिछली बार की तरह गलती नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने गलती करके काफ़ी डेटा डिलीट कर दिया, दो डेटा डिलीट कर दिया। तो यहाँ गेट है तो यहाँ मैं पुट यूज़ करूंगा, क्योंकि पुट मेथड के थ्रू अपडेट होता है हमारा। ओके, सो मैं इसको सेव करूंगा, और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं पुट मेथड के साथ दो आर्गुमेंट यूज होते हैं। सो यहाँ पे मैंने डेटा पास किया एंड सेव करूंगा अगेन, ये मैंने सेव किया। अब इसके बाद इसी नेम से मेथड मैं बना लूंगा वहाँ पर अपने अपडेट कंपोनेंट डॉट टी एस पर। सो मैं इसको यहाँ पर सेव करने के बाद अपडेट रेस्टोरेंट कंपोनेंट डॉट टी एस पर आता हूँ, और यहाँ पे एक मेथड और जनरेट करता हूँ, और इस पे मैं डायरेक्टली दिस डॉट रेस्टो डॉट, यहाँ पर मैं अपडेट रेस्टोरेंट को कॉल करता हूँ, और इस पे मैं इस पूरे पेरेंट्स की आईडी को कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, कॉमा दिस डॉट एडिट रेस्टोरेंट डॉट वैल्यू, इस वैल्यू को अपडेट करूँगा, डॉट सब्सक्राइब करने वाला हूँ। सब्सक्राइब के साथ साथ मैं डेटा को RESULT में रखता हूँ, एंड कॉल बैक फंक्शन के थ्रू अगेन मैं इसको कंसोल कंसोल डॉट लॉग एंड RESULT एंड डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल नाउ सेव करता हूँ। एक बार इसको हिट करा के देख लेता हूँ। ओके, वन सेकेंड, मैं इस मेथड को सबसे पहले कॉल करूँगा, क्योंकि अभी हमने इस मेथड को कॉल नहीं किया अपने HTML पर, फिर से वही दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इस मेथड को यहाँ पे कॉल करता हूँ सिंपली ng सबमिट के थ्रू, ng सबमिट इज इक्वल एंड सेव करता हूँ। रन, अब इसको रन करा लेते हैं डायरेक्टली। रन कराने के बाद देखते हैं, मैं सपोज लिस्ट पे आता हूँ और इन केस मुझे, चलो ठीक है, सुमित रेस्टोरेंट को मैं एडिट करने वाला हूँ। तो सुमित रेस्टोरेंट पे आया, यहाँ पे अहमदाबाद है। सो मैं अहमदाबाद हटा के मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ बेंगलोर इंडिया, और यहाँ पे मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे अपडेट पे क्लिक किया ये देखो यहाँ पे आ गया आईडी नंबर 2 बेंगलोर इंडिया रेस्टोरेंट, और ये। अब लिस्ट रेस्टोरेंट पे देखता हूँ क्या चेंज हुआ था। यहाँ पे देखो बेंगलोर इंडिया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से अपडेट हो गया, मैं सोचा नहीं था। डेटा इज अपडेटेड सक्सेसफुली, और अब हम चाहते हैं कि इस पे ये सक्सेसफुल का मैसेज भी दिखाए। तो मैं फिर से इसको अनकमेंट करता हूँ। अनकमेंट करने के बाद डायरेक्टली ये क्लोज फंक्शन को सबसे पहले मैं कॉल कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ इसको, पहले यहाँ पे कुछ चेंज कर दें, योर डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटेड अपडेटेड सक्सेसफुली एंड दिस विल बी सक्सेस के केस में, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करने के बाद अब यहाँ सेव करता हूँ और अपडेट कंपोनेंट डॉट टी एस पे आता हूँ, और यहाँ पे एक मेथड और बनाता हूँ, और इस पे मैं दे रहा हूँ दिस डॉट अलर्ट इज इक्वल फॉल्स, सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ दिस डॉट अलर्ट इज इक्वल ट्रू एंड सेव करता हूँ।
और अब एक बार देख लेता हूँ कि ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई एरर तो नहीं है। सो ये 50% बिल्ड हो चुका है हमारा एंड रिकम्पाइल हो रहा है आई थिंक, ये देख सकते हो आप रिकम्पाइलिंग। सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। रिकम्पाइल होने के बाद ये एडिट हो रहा है, एडिट होने के बाद मैं अपडेट करने वाला हूँ, कोई भी एक डेटा अपडेट करके आपको दिखाऊंगा और ये प्रॉपरली अपडेट हो रहा है। सो मैं थर्ड नंबर आईडी अपडेट करने वाला हूँ, तो मैं थर्ड वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मध्य प्रदेश है तो मैं यहाँ दे देता हूँ उत्तर प्रदेश, और मैं इसको मैं सिंपली यहाँ जैसे ही सेव करता हूँ ये देखो लिख उठता है सक्सेसफुल योर डेटा हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुल। यहाँ पे अब कंसोल पे भी आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश सोनम आईडी नंबर 3 सोनम फूड प्लाजा एंड डेटा अपडेट सक्सेसफुली। एंड लिस्ट रेस्टोरेंट पे आके मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश हो चुका है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो इस तरीके से आप भी अपडेट कर सकते हैं अगर कोई आपको इशू हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई आईडी के थ्रू प्रॉब्लम हो रही है, कोई डेटा फेच करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपको कम्प्लीटली सोल्यूशन दूंगा। थोड़ा सा लेट रिप्लाई दूँ तो उसके लिए माइंड मत करना, बट आपको रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।